गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, की बात करूं केवल मीडिया जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है। लेस मीडिया, नाम से ही पता लग रहा है, वायर मतलब जो तार के की जाती होगी, बिना तार के द्वारा की जाती होगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा वायर से संबंधित, मतलब केबल मीडिया से संबंधित है कि कितने प्रकार की केबल है। वायरलेस के बारे में अगले क्लास में बात की जाएगी। और मीडिया माध्यम जिसके द्वारा डाटा जो है ट्रांसफर किया जा रहा है, आदान प्रदान किया जा रहा है, तो वो दो प्रकार के होते हैं। तो वायर्ड हो सकता है, वो तार हो सकती है, तार के द्वारा हो सकती है, या आपकी वायरलेस हो सकती है। ठीक है, और आज का टॉपिक है मीडिया, तो अब शुरू। जो है हमारी वो कितने प्रकार की होती है, यानी कितने प्रकार की केबल का यूज किया जाता है डाटा ट्रांसफर करने के लिए। यानी कंप्यूटर के अंदर अगर आप डाटा ट्रांसफर करना चाहते हो नेटवर्किंग के अंदर, नेटवर्किंग के द्वारा, तो आप वायर मीडिया में किन किन केबल का यूज कर सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग आज की क्लास है। सर बुक्स चश्मा दे दो। हमारी वायर जो है या इसमें ये वायर कितने प्रकार की होंगी उनके बारे में पेयर, यूटीपी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और एक होता है आपकी यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल, कोएक्सियल केबल और यूटीपी केबल। ये तीन प्रकार की जो केबल हैं इनका यूज आप डाटा ट्रांसफर करने के लिए कर सकते हो। यूटीपी यूटीपी ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है कि यूटीपी क्या जो है वो अनशील्डेड होगा, तो इनके बारे में के बताऊंगा। पहले मैं आपको यूटीपी एसटीपी फ्री है, चलो बात कर लेते हैं यूटीपी की। यूटीपी के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। यूटीपी क्या होती है, एक आम वायर होती है, जैसे आपकी टेलीफोन वायर होती है उस प्रकार की है। यदि मैं आपको दिखाऊंगा भी तो आपको ऐसा लगेगा कि ये टेलीफोन वायर ही है। आठ वायर होती हैं जो पेयर मतलब जोड़ा, जो कि जोड़े के रूप में होती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकली ये कैसे होती है। ठीक है, दिखाई देता हूं। देखो इस प्रकार की ये केबल है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे हम कि कैसे ये होती है या कितने इसके अंदर वायर होती है। तो इस प्रकार की है, और इसके अंदर क्या होगा,
आपकी 8 वायर होंगी जो कि दो दो के पेयर में होंगी, ऐसे होंगी। लेते हैं यदि चार पेयर बनेंगे टोटल वायर 8 रहेंगी इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके आगे जो कि आपके लैंड पोर्ट में लगाने के लिए यूज किया जाता है RJ45 कनेक्टर, ठीक है। इसके बारे में आपका जो अंदर कॉपर की वायर का यूज किया गया होता है, यानी इसके अंदर जो वायर का होती है वो कॉपर की होती है। लेकिन अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कॉपर वायर में से जब कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है तो ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ईएमएफ उत्पन्न होने की वजह से क्रॉस टॉक की संभावना बढ़ जाती है। क्रॉस टॉक मतलब डाटा जो है धीमी गति से ट्रांसफर होगा या आपके डाटा की गति पे या ट्रांसफर होने पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कॉपर है, कॉपर वायर में से जब इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो आपकी क्रॉस टॉक की संभावना बढ़ जाती है। तो आपकी वायर में क्रॉस टॉक ना हो, यानी जो कॉपर की वायर यूज़ की गई है उसमें क्रॉस टॉक ना हो, तो इसलिए इसको एक दूसरे के ऊपर लपेटा जाता है। कैसे लपेटा जाता है मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ। मान लेते हैं ये दो वायर हैं कॉपर की, इनको एक दूसरे के ऊपर ऐसे लपेट दिया जाता है, ये लपेट दिया, ठीक है, ये पेयर हो गया ऐसे, ठीक है। और ऐसे लपेटने का बेनिफिट क्या है कि इसमें है ना ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, क्रॉस टॉक की संभावना कम हो जाएगी, जिससे डाटा फास्ट स्पीड से ट्रांसफर होता है। और जनरल नॉलेज के लिए आपको पता भी होना चाहिए कि यूटीपी में से डाटा किस दर से ट्रांसफर होता है। यूटीपी की जो की दर है वो 10 एमबी लेकर ये आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड होता है। और यूटीपी वायर के बारे में बता दूं, अदर लैंड लोकल नेटवर्क में यूज की जाती है, डिस्टेंस ज्यादा नहीं रख सकते हो, मतलब इसका ज्यादा ज्यादा 500 मीटर 1 किलोमीटर तक आप इसको यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा के लिए, मतलब छोटी नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं इसका, बड़ी नेटवर्किंग के लिए इसका यूज नहीं करते। तो ये था आपका यूटीपी। यूटीपी मैंने बताया कि ऐसे ऐसे लिपटी हुई होती है। अभी आपको मैं इसको ब्रेक करके भी दिखाऊंगा, तोड़ के भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर से कैसी होती है। उसके बाद बता एक और हमारी एसटीपी पेयर। यूटीपी और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस ये है कि उसमें वायरों को ऐसे लपेटा गया है, स्टेट होती है, ठीक है, इसके अंदर वायर जो है स्टेट होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूटीपी एसटीपी होती है कोस्ट, एसटीपी जो होती है इसकी कोस्ट ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू यूटीपी, क्योंकि इसके अंदर से ट्रांसफर होती है, ठीक है। और दूसरा एसटीपी का सेटअप करना अकॉर्डिंग टू यूटीपी हार्ड है। यूटीपी का सेटअप आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, लेकिन एसटीपी का सेटअप करना बड़ा मुश्किल होता है अकॉर्डिंग टू एसटीपी। लेकिन हाँ, अगर आप इसके बने, देखो इसके ऐसे कनेक्टर होंगे या तो गोल में होगा, देखो इनके कनेक्टर जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर डिपेंड होते हैं। इसके कनेक्टर आपके गोल भी हो सकते हैं, इसके कनेक्टर आपके इस प्रकार के भी हो सकते हैं। आप बनी बनाई केबल यूज कर रहे हो फिर तो इसका सेटअप आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, यदि आपको केबल बनानी पड़ रही है तो आपको सेटअप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यूटीपी केबल को बनाना बड़ा ही आसान है, अभी आपको यूटीपी केबल बना के भी दिखाएंगे हम कि कैसे यूटीपी केबल बनाई जाती है। तो एसटीपी अधिकतर जहाँ पर जो है प्रोफेशनल नेटवर्किंग का यूज किया गया हो, लेकिन इसकी कोस्ट जो है थोड़ा हाई है। अगर आप लोकल तो ही प्रेफरेंस दी जाती है ज़्यादातर, क्योंकि इसका 90% आज के टाइम में यूज़ किया जाता है और ये सेफ भी है और बजट भी है, मतलब बजट में पड़ जाती है हमारा। अब बात कर लेते हैं एक और केबल आई थी डीजल केबल। तो एक
कोएक्सियल केबल क्या होती है? देखो, कोएक्सियल केबल का यूज अधिकतर जो है आपके जो टीवी या जो डिश या जो ये क्या बोल दूँ आपको मैं, जिसकी वायर होती है उसमें अधिकतर यूज़ किया जाता है, या आपके टीवी में जो केबल आपके जो भी आपने मार्केट से ले रखी है, मतलब होता नहीं है कि भाई यहाँ से हमने केबल ले रखी है, केबल सेंटर से जो आपने केबल ले रखी है, तो आपके घर में जो केबल आती है वो कोएक्सियल केबल होती है। उसकी फिगर बाई फिगर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका मैं दिखा तो नहीं पाऊँगा, शायद है हमारे पास कोएक्सियल केबल, मैं भी दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो यहाँ पर लेयर होती है जो कि प्लास्टिक की होती है, कवर होती है, एक यहाँ पर एक लेयर और आ जाती है, ये आपकी थोड़ा मेटल की आ जाती है, एक यहाँ पर प्लास्टिक की और आ जाती है, और यहाँ पर फिर एक कॉपर की लेयर और आ जाती है। ठीक है, आपकी ये कोएक्सियल केबल होती है, ये आपका कवर होता है, ठीक है, और ये आपका होता है आउटर कंडक्टर, और ये आपका है, और ये होता है इंटर कंडक्टर। ये आपका आउटर कंडक्टर होता है, इसमें ऐसे आपकी जालियां सी बनी होंगी, और ये आपका एक बैड कंडक्टर होता है, ये आपका बैड कंडक्टर होता है, और ये आपका गुड कंडक्टर होता है, मतलब ये और ये दो कंडक्टर होते हैं जिसके अंदर से डाटा ट्रैवल होता है, जिसके अंदर से डाटा ट्रांसफर होता है, इसे हम कोएक्सियल केबल बोलते हैं। आपने आम घरों में देखी भी होगी, आपके टीवी के पीछे जो वायर लगती है या डिश से जो वायर आती है वो इस प्रकार की होगी, आप देख भी सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका यूज क्या है, आपका नेटवर्किंग यानी कंप्यूटर से कंप्यूटर जोड़ने में नहीं यूज किया जाता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपकी कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल की बात आती है आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल। फाइबर केबल अकॉर्डिंग टू यूटीपी इसका यूज वहां किया जाता है जहां पर आपका नेटवर्क बड़ा हो, यानी या आपकी नेटवर्किंग का डिस्टेंस ज्यादा हो, या सिंपल भाषा में कहूँ बड़ी नेटवर्किंग के लिए इसका यूज किया जाता है, छोटी नेटवर्किंग में इसको नहीं यूज किया जाता। कारण ये है क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू आपका यूटीपी, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, आपका जो होती है, मतलब इनके अंदर कंडक्टर होते हैं, कॉपर का कंडक्टर हो गया, एल्यूमिनियम का कंडक्टर हो गया, किसी भी चीज का कंडक्टर हो गया, तो कंडक्टर होता है। लेकिन आपका ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कंडक्टर नहीं होता है, यानी इसके अंदर किसी भी मेटल का यूज नहीं किया जाता, इसके अंदर ग्लास यूज किया जाता है, ग्लास होता है जिसके अंदर से डाटा ट्रांसफर होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी एक फाइबर मटेरियल होता है, और जो डाटा ट्रांसफर होता है वो लाइट के द्वारा ट्रांसफर होता है। बाइक जाने कोशिश करता हूँ, तो ये एक ऑप्टिकल फाइबर केबल बना रहा हूँ मैं। तो ये एक कवर है, कवर के बाद इसके अंदर एक कांच की लेयर होती है, मान लेते हैं ये एक लेयर है, मतलब लेयर नहीं, एक बहुत पतली एक वायर होती है, लेकिन वो फाइबर की होती है, कांच की होती है। तो वो डाटा कैसे ट्रांसफर होता है, यहाँ पर एक आउट करने वाला होता है जो कि आउट करता है, लेकिन वो डाटा आउट कैसे, लाइट के द्वारा, किस लाइट के द्वारा डाटा जाएगा, लाइट वे लाइट के द्वारा जाएगा, ऐसे टकरा के यहाँ पर आगे पहुंच जाएगा। यहाँ पर एक रिसीवर और लगा होता है, इसे हम रिसीवर बोलते हैं, डाटा को ये रिसीव करता है यहाँ पर, ठीक है, जिसके बाद वो डाटा हम आगे लैन पोर्ट में या वैन पोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक कांच की वायर होगी, इस कांच की वायर में लाइट के रूप में डाटा ट्रांसफर होगा, और इसका एंड जहाँ तक हो, जहाँ पर होगा सेकंड का एंड होगा, वहाँ तक डाटा सक्सेसफुली ट्रांसफर होगा।
इसमें जो है डाटा बहुत कम वीक होता है अकॉर्डिंग टू लैंड वायर। लैंड वायर क्या, जितनी लंबी होती जाएगी आपका डाटा जो है वीक होता जाता है। लैंड वायर में क्या डिसएडवांटेज थी कि इसमें बार बार बीच में रिपीटर लगाने पड़ते हैं अपने, रिपीटर होता है, मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ रिपीटर क्या होता है। लेकिन आपने अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ किया गया तो इसमें बहुत ही कम आपको रिपीटर लगाने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें डाउ है, डाटा बहुत ही फास्ट स्पीड से ट्रांसफर होता है। और दूसरा ये सिक्योर भी है, क्योंकि मेटल में तो क्या है कार्बन आ जाता है या टूट जाती है, टूटते तो ये भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मेटल इसकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हाँ, इसकी स्पीड बता देता हूँ, ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो है डाटा स्पीड करने की जो दर होती है वो होती है 100 Mbps से 2 Gbps 100 MB से लेकर 2 GB तक ये डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। यानी जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है उसका जो डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड होती है अकॉर्डिंग टू पोइजल केबल और UDP केबल बहुत ही फास्ट होती है। और ये आपका बड़ी नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। देखो इसकी हम प्रैक्टिकली तो आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि अवेलेबल नहीं है हमारे पास, लेकिन आपने देखा भी होगा जब आपने जैसे सड़कों के किनारे वो नीचे से इसको खोद के डालते हैं और इनसे कलर की वायर होती है मोटी सी, तो वो फाइबर केबल होती है। उसके अंदर से जो उस वायर के अंदर जो होती है आपकी फाइबर के ग्लास की वायर होती है जिसके अंदर से डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। आने वाली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑप्टिकल फाइबर केबल आपको दिखा सकें। तो ये थी हमारी आज की कुछ बातें जो केबल के बारे में थी। कुछ और जानकारी है तो मेरे पास में वो देने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। कुछ रह गया था मैं वो बता देता हूँ। अब मैंने तो बता दी आपको, ऑप्टिकल फाइबर में एक डाटा रिसीवर होता है, एक डाटा आउटर होता है, मतलब एक से डाटा दिया जाता है, एक से डाटा लिया जाता है। लेकिन जो UDP होती है, ये UDP केबल है, तो यहाँ RJ45 कनेक्टर लगा होगा, इस पर RJ कनेक्टर दोनों सिरों पे RJ45 कनेक्टर लगा होगा UDP पे। और कोइजल केबल, यदि आपकी कोइजल केबल है, कोइजल केबल पे आपका लगा होगा BNC। पता होना चाहिए आपको कि कोइजल केबल पे क्या लगा होता है, एक बार मैं खुद चेक कर दूँ। BNC, ठीक है, BNC यहाँ लगा होता है और BNC यहाँ लगा होता है, BNC कनेक्टर बोलते हैं इसको। यानी कोइजल केबल के दोनों सिरे पे आपको BNC लगाना पड़ता है और इसके यहाँ पर दो सिरे 45 कनेक्टर लगाना पड़ता है, ठीक है। देखो कोइजल केबल तो दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो आपके घरों में आम आपको देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन आपको UDP केबल आपको थोड़ा मुश्किल होगी, शायद आपके घर पे है, और अगर है भी तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर इसका नहीं पता होगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मैं अब आपको UDP के बारे में दोबारा से बता देता हूँ, मैं कुछ बताना भूल गया था UDP के बारे में। UDP के अंदर जो मैंने वायर बताई थी, UDP के अंदर कितनी वायर बताई थी, वायर, तो 8 वायर किस कलर की हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो 8 इसमें आपकी रेड, ग्रीन, ऑरेंज इन कलर की होती है, ठीक है। ये तो होगी 4 वायर तो ये होगी, बाकी की 4 वायर किस कलर की होगी, बाकी की 4 वायर होंगी आपकी रेड, वाइट, ठीक है। यानी उसमें रेड कलर भी होगा और वाइट कलर भी होगा, और फिर होगी आपकी ग्रीन, वाइट, फिर होगी आपकी ब्लू, वाइट, और फिर आगे आपकी यहाँ पर सॉरी ऑरेंज, वाइट। और जहाँ तक आजकल क्या है, रेड वायर नहीं यूज़ की जाती है, यहाँ पर एक ब्राउन वायर आ जाता है, ब्राउन वायर का भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, आप कंफ्यूज मत होना। तो अगर ब्राउन वायर है, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, ठीक है, 4 वायर जो होगी कंप्लीट कलर की होंगी, और 4 वायर क्या होंगी, यहाँ पर ब्राउन लिख देते हम, ब्राउन वाइट, ग्रीन वाइट, ब्लू वाइट और ऑरेंज वाइट। अब ये मिट्टी कैसे होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। ब्राउन वाइट जो ब्राउन है वो ब्राउन वाइट के साथ पेयर होती है,
जो ग्रीन होती है वो ग्रीन वाइट के साथ पेयर होती है, ब्लू होती है ब्लू वाइट के साथ पेयर होती है, ऑरेंज है जो ऑरेंज वाइट के साथ पेयर होती है। अब ये पेयर क्या होता है, कैसे होता है, मैं अभी आपको बाय प्रैक्टिकल दिखा देते हैं, हम आपको बना के भी दिखाएंगे कि एक वायर को कैसे बनाया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू मेक ए लैन वायर, ठीक है। लैन वायर कैट फाइव भी बोल सकते हैं, बोल सकते वायर जो भी आपने बोलना है आप बोल सकते हो। आपको ये दिखा रहे हैं, इस यूटीपी केबल को यहाँ से काट के आपको दोबारा से बना के दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप एक वायर बनाते हो। लेकिन वायर तो ठीक आप बना लोगे, वायर बनाने से पहले आपको इसके कुछ कलर पता होने चाहिए। एक मिनट थोड़ा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, पानी पीने गया था, गला सूख गया। हाँ मैं क्या बात करता, हाउ टू मेक लैन वायर बनाने के लिए आपके पास एक लैन कनेक्टर का होना जरूरी है और एक यूटीपी वायर का होना जरूरी है। वायर आप से ले सकते से आप मिल जाएंगे। तो कनेक्टर जब आप लगाओगे तो वो आठ वायर कैसे लगाई जाती हैं, तो उन वायर के कुछ कलर स्टैंडर्ड हैं वो आपको पता होने चाहिए कि आप किस प्रकार इसको लगा सकते हो। जिसमें वायर होती है, ठीक है। अभी आप किस कलर की होंगी वो आपको पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 6, 7, 8। तो यानी ये वायर है 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये किस कलर की होंगी आपको पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर होगा वाइट ऑरेंज। वाइट ऑरेंज की आपकी पहली वायर होगी, दूसरी कलर की, और तीसरी वायर होगी आपकी, ठीक है। तीसरी वायर किसकी होगी, वाइट ग्रीन की, फोर्थ, और फिफ्थ वायर होगी आपकी, और आगे है आपकी बात सिक्स्थ, सिक्स्थ ठीक है। दोबारा फिर बता रहा हूँ, पहली वायर यानी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैं कौन सी पहली कह रहा हूँ कौन सी दूसरी कह रहा हूँ, शायद आपको ना समझ में आए, या जिसको पहले से नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज है वो इस बात को समझ रहा होगा कि पहली वायर दूसरी वायर क्या होती है। अगर नहीं भी है तो अभी आपको पता लग जाएगा। तो पहली वायर कौन सी रखनी है हमने, वाइट ऑरेंज। दूसरी वायर कौन सी रखनी है, ऑरेंज। तीसरी वायर कौन सी रखनी है, वाइट ग्रीन। चौथी वायर कौन सी रखनी है, ब्लू। और फिफ्थ व्हाइट ब्लू, सिक्स्थ है ग्रीन, सेवन्थ है सॉरी ब्राउन। तो इस कंडीशन में अगर आप वायर को लगाओगे तो आपकी केबल है बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। दोनों कनेक्टर आपने इसी वे में कनेक्ट करने हैं, ठीक है। अब वो कैसे कनेक्ट होंगे अभी हम आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको यदि सर वो लेके आना टूल, यदि आपको लैन वायर बनानी है तो उसके लिए आपके पास कुछ टूल का अवेलेबल होना जरूरी होता है। एक तो ये लैन टेस्टर है, इसे हम लैन टेस्टर बोलते हैं, पता नहीं चलता भी है कि नहीं, चलेगा शायद, आपके लाइक तो चली जाएगा। ये लैन टेस्टर होता है, इसे हम कोई भी केबल चेक कर सकते हैं कि ये खराब है या सही है। तो
तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा अभी, कि लैन अगर कोई ऑलरेडी बनी हुई है आपकी तो उसे आप लैन टेस्टर के द्वारा आप प्लायर बोल सकते हो, यानी लैन वायर बनाने के लिए एक प्लायर, मतलब प्लास की तरह ही होता है लेकिन क्रिम्पिंग टूल के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका यूज़ क्या होता है कि जो आपके लैन कनेक्टर होता है उनको यहाँ पर ये जोड़ देता है। अभी कैसे जोड़ता है तो वो हम आपको दिखाएंगे लैन वायर बना के। एक बार अच्छा ठीक है ओके। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये केबल वो हो गई सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो आपको क्या है लाइन वायर बना के दिखानी, तो लाइन वायर बनाने के लिए मैंने जैसे बताया आपको, आपके पास ये क्रिम्पिंग टूल होना चाहिए और एक ये लाइन टेस्टर होना चाहिए और एक ये लाइन वायर होनी चाहिए। मैं इसको काट देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, छोटी कर देते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। इसमें यहाँ पर काफ़ी कटर दिए गए होते हैं, आप अपनी सुविधा अनुसार जो भी वायर काटनी हो आप ऐसे काट सकते हो। तो आपको जैसे कोई भी वायर बनाने की आवश्यकता पड़ती है कंपनी में, जैसे 5 फुट की, 2 फुट की, 3 फुट की, या मीटर के हिसाब से कितनी भी लेंथ की आपको वायर बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो पहले आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग वायर की कटिंग कर ले। मान लेते हैं हमने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग वायर की कटिंग कर ली। अब कटिंग करने के बाद क्या काम आता है, क्या काम करना होता है, कटिंग करने के बाद आपको इसको थोड़ा यहाँ से छिलना होगा। छिलने के लिए आप इसके यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया तो उसमें ऐसे डालोगे और डालने के बाद आप ऐसे इसको एक बार घुमा दोगे, ठीक है। कलर पे मत जाना, कलर इसका अलग अलग हो सकते हैं। जो ऊपर वाला कलर है, इंटर वा अंदर वाले कलर हैं वो स्टैंडर्ड हैं, वो नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब आपको दिखा रहा हूँ पेयर इसके। ये इसके पेयर हैं, कितने पेयर बताए थे आपको, 4 पेयर बताए थे। तो ये 1 2 3 4, ये 4 पेयर हैं। अब ये मैंने बताया था कि ये ट्विस्ट होते हैं, ट्विस्ट मतलब पेयर होते हैं। पेयर देखो लिपटे हुए हैं तो इनको ऐसे खोलना पड़ता है, एक बार कनेक्टर में लगाने के लिए इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जुड़े हुए ये नहीं आपको लगा पाओगे। और मैंने ये बताया था एक ब्लू कलर की होगी, और ये वाली वायर है ना जो ब्लू कलर के साथ है, ये वाइट ब्लू है। अगर आपको वीडियो में ना दिखाई दे रही, ये वाइट ब्लू है और ये ब्राउन है, इसके साथ वाइट ब्राउन है, यहाँ पर ग्रीन है, इसके साथ वाइट वाइट ग्रीन है, यहाँ पर ऑरेंज है और इसके साथ वाइट ऑरेंज है, ठीक है। तो अब आपने इनको सीधा कर लेना है, वायर को लगाने के लिए आपने इनका पेयर खोल के सीधा कर लेना है। तो हम ये सीधा कर लेंगे इसको। सीधा करने के बाद अब मान लो ये सीधा कर लिया आपने, अब जो सीक्वेंस आपको बताई थी, चेयर लेके आना सर,
तो ये लैन कनेक्टर है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये क्या होता है, देखो इनमें है ना, यहाँ पर ये ब्लैंक होते हैं, इनके अंदर आपने ये वायर डालनी है, ये वायर डालनी है। अब ये वायर कैसे डलेगी अभी आपको बताऊंगा मैं। तो वो इसके अंदर डलेगी और फिर ये प्लायर के अंदर लगाया जाएगा, उसको बंद किया जाएगा और ये लाइन वायर बन जाएगी। लेकिन कैसे आपको लगानी है थोड़ा इस चीज़ को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले वायर रखी है हमने वाइट ऑरेंज, तो वाइट ऑरेंज ऐसे साइड में कर लोगे, ठीक है। वीडियो में ना ही दिखाई दे रहा हो तो प्रैक्टिकली इसको करके देखें आप, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर वाइट रखी, फिर इसके बाद हमने रखनी है हाथ में ऐसे टाइट कर लेना वाइट ऑरेंज। फिर कौन सी थी हमारी, वाइट ग्रीन ढूंढो यहाँ पर, मुझे तो दिख रही है, शायद आपको ना दिख रही हो। फिर उसके बाद वाइट ग्रीन, वाइट ग्रीन को यहाँ पर हमने इसके तीसरी वायर बना दी। फिर है हमारे पास ब्लू, तो ब्लू को रखेंगे इसके पास में, यह है ब्लू। ब्लू वाइट ब्लू, ब्लू के बाद है हमारी वाइट ब्लू, तो ये हमारी वाइट ब्लू है। वाइट ब्लू के बाद ग्रीन, तो ये हमने ग्रीन लगा ली। फिर है हमारे पास वाइट ब्राउन, और फिर है हमारे पास ब्राउन। देखो मैंने है ना, शायद आपको ना दिखाई दे रही हो, तो आप इसको ना अपने अकॉर्डिंग जैसे आपसे सेटल हो रही है, तो सबको आपने इक्वली लगाना है। ऐसे आप इसको ऐसे 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 करके आप इसको इक्वल लगा दोगे सीक्वेंस वाइज, तो ये लग जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने लगा दी हैं, शायद आपको ना दिखाई दे रही हो क्लियर से, लेकिन ये लगा दी, ठीक है। जो वायर हमने डिसाइड की थी उसके अकॉर्डिंग लगा दिया। लेकिन एक बार क्रॉस चेकिंग में वापस से कर लेता हूँ, पहली वायर है वाइट ऑरेंज, दूसरी है ऑरेंज, तीसरी है वाइट ग्रीन, फिर है हमारी ब्लू, फिर है हमारी वाइट ब्लू, ठीक है, फिर है ग्रीन, और फिर है हमारी वाइट ब्राउन, और फिर है ब्राउन, ठीक है। हमने बिल्कुल सही लगाई है, हमने बिल्कुल सही लगाई है। अब लगाने के बाद अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर ऐसे डाल दें, ये ऐसे डालोगे तो ये अभी नहीं लगेगी। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको इसको इक्वली कट करना पड़ेगा। इक्वली कट करने के लिए क्या करोगे, इक्वली कट करने के लिए इसमें कटर दिया गया है, जो आपका क्रिम्पिंग टूल है, या प्लायर भी बोल सकते हो आप इसे अपनी भाषा में। तो इसके द्वारा इसको यहाँ पर डाल के इसको आप इक्वली कट कर लोगे, ठीक है। मैं कट कर लेता हूँ, क्योंकि उधर ऐसे करने में मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, लेकिन सारी वायर आपकी इक्वल होनी चाहिए, कोई भी आगे पीछे ना हो। तो ये हमने इक्वल सारी वायर कर ली है। तो यहाँ अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये सारी वायर इक्वल हो चुकी हैं। ठीक है, ये सारी वायर इक्वल हो चुकी हैं। अब जब ये वायर इक्वल हो जाएं और सीक्वेंस में लगी हों, ध्यान दें ये सीक्वेंस में होनी चाहिए, एक भी वायर उल्टी सीधी होगी, गलत होगी, तो आपकी वायर नहीं चलेगी या आपकी वायर गलत जुड़ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वली आपने ऐसे पकड़ना है, बस ध्यान रखें कि वायर आगे पीछे ना हो, और इसको बड़े आराम से आप इसके अंदर डाल दोगे, इसके अंदर डाल दोगे ऐसे, बिल्कुल आराम से डलेगा, और इसको अंदर की तरफ पुश कर दोगे, और यहाँ पर एक बार चेक कर लोगे कि फ्रंट साइड में आ गई हैं या नहीं आ गई। यहाँ पर फ्रंट साइड में आ जाती हैं। अब इसको ऐसे पुश करना आगे की तरफ, और ये क्रिम्पिंग टूल जो होगा इसके यहाँ पर आपने इसको डालना है, ठीक है। कहाँ पर डालना है, यहाँ पर डालना है, ये आपने इसको यहाँ पर डाल दिया, ये इसके अंदर डल जाएगी, ठीक है। डलने के बाद यहाँ पर ये ऐसे निकल भी जाएगी। अब आपने इसको नीचे की तरफ पुश करना है, मतलब नीचे की तरफ पुश करके इसको ऐसे दबा देना, दिख रहा है सर, ये देखो यहाँ पर इसको ऐसे
मैं दबा रहा हूँ अभी, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये मैंने दबा दिया है, दोनों हाथ से आप दबा सकते हो, ये आवाज़ भी आएगी कि भी हाँ कुछ लॉक हुआ है। तो ऐसे आप दोनों हाथों से इसको आप इसको निकाल दोगे। और ये अब बन चुकी है आपकी केवल एक साइड की, ठीक है। आप इसे निकालने की भी कोशिश करोगे, मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, देखो निकलेगी नहीं, ये जुड़ चुकी है यहाँ पर, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी अब। तो एक सिरा तो हमने लगा दिया, तो अब दूसरा सिरा और लगाने की कोशिश करते हैं, क्या दूसरा सिरा भी लगेगा हमसे। तो दूसरा सिरा भी ऐसे ही लगाएंगे जैसे हमने पहला सिरा लगाया था, पहले उसको यहाँ से हम छील लेंगे थोड़ा सा, छीलने के बाद वही इसके अंदर से पैर निकलेंगे जो वहाँ पर निकले थे हमारे पैर, वही पैर निकलेंगे, कोई अलग से तो नहीं निकलेंगे। ठीक है, अब इनको हम वापस से जैसे हमने उसमें सीधा किया था तो इसमें भी सीधा कर लेंगे सभी वायर को स्ट्रेट करने की। स्ट्रेट करने के बाद स्ट्रेट करने के बाद इसको भी आप सीक्वेंस में लगाओगे जैसे आपने पहले उनको लगाया था। पहले कौन सी वायर लगाएंगे हम, वाइट ऑरेंज, तो हमने वाइट ऑरेंज लगा दी। फिर कौन सी लगेगी, फिर लगेगी हमारी ऑरेंज। फिर कौन सी लगेगी, वाइट ग्रीन, वाइट ग्रीन मुझे तो दिख रही है, शायद आपको ना दिख रही हो। वाइट ग्रीन, तो वाइट ग्रीन ये रही, तो इसको हम आगे ले आते हैं, ये हमने आगे ले आते हैं। ब्लू के वाइट ब्लू, ये वाइट ब्लू ग्रीन, उसके बाद है वाइट ब्राउन, और उसके बाद है ब्राउन। तो ये वायर हमने सीक्वेंस में लगानी, आप ऐसे ऐसे करके या जैसे भी आपको ठीक लगे इन वायर को स्ट्रेट करना है। जितना ज़्यादा स्ट्रेट होंगी उतनी आसानी से आप इसको लगा सकते हो। यदि आपकी वायर स्ट्रेट नहीं है तो आपके कनेक्टर में नहीं लगेंगी, जिसकी वजह से आपकी लाइन वायर नहीं बन पाएगी। अब हमने जैसे पहले वाले कनेक्टर में स्ट्रेट करी थी, यहाँ पर भी स्ट्रेट कर ली, अब इसको सीधा यहाँ से काट लेंगे ताकि कनेक्टर में बड़ी आसानी से डल सके। हम इसको यहाँ पर सीधा काट रहे हैं,